नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल प्रशांत टॉक में। दोस्तों आज हम आए हैं प्रयागराज के संगम एरिया साइड में, जो कि आपको दिखाएंगे संगम एरिया में कितनी ज्यादा बाढ़ आई है। चलिए शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं स्वर्ग जो कि संगम के किनारे स्थित है। अब हम लोग आ गए इस मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पे, जो कि यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन नज़ारा दिखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे नाव चल रही है। मैं जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसा लग रहा है कि पूरा समुद्र यहाँ पे आ गया हो। इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रयागराज की बड़े हनुमान मंदिर, जो कि वहाँ पे पूरी तरह से पानी वहाँ भी आ गया है। उसके बारे में आप लोग को अपडेट कराएंगे। देखिए यहाँ पे कितनी यहाँ पे बाढ़ आई हुई है, सारी नावें जो कि संगम किनारे खड़ी कर दी गई हैं। गंगा जी का पानी मंदिर से पूरा लग चुका हुआ है। जहाँ तक उम्मीद जताई जा रही है कि पानी अभी और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि मध्य प्रदेश और उत्तराखंड से पानी और भी छोड़ा गया, जो कि 30 लाख क्यूसेक लीटर पानी है। ये है हमारा संगम। इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रयागराज के बड़े हनुमान मंदिर, जो कि बंधा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखेंगे वहाँ की क्या स्थिति है। सबसे पहले आप लोगों को हम दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या स्थिति है। अब हम आ गए हैं प्रयागराज के संगम साइड में। और ये यहाँ की सबसे फेमस मंदिर संगम किनारे की। लोग काफी दूर दूर से इस मंदिर को दर्शन करने के लिए आते हैं, तमिलनाडु, चेन्नई, वेस्ट बंगाल। यहाँ पे आपका है द्वार कह सकती मंदिर, यहाँ पे आपका तपस्काष्टमी दर्शन। हवाई चलते हैं, हम लोग चलते हैं ऊपर इस मंदिर के, और आप लोग दिखाएंगे कि कितना बेहतरीन नज़ारा दिखता है वहाँ से। काफ़ी प्राचीन मंदिरों में से एक मंदिर है ये प्रयागराज की। हम चल रहे हैं सीढ़ियों पे। अब चलते हैं हम लोग श्री शंकर जी के टेम्पल के पास। कृष्णाय नमः, श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः।
ये है गंगा जमुना सरस्वती का संगम। आप लोग देख सकते हैं, आप देखिए एक तरफ पानी काला, एक तरफ पानी आपका सफेद है। ये है यमुना और ये है गंगा। Gracias.